friends, in today's vlog, I'm taking you to a tour of village Gretna, which is across the England border on Scotland side. We had taken a coach tour from London to Scotland, and this was our first stop. So details of the village I'm going to tell you when the coach is moving after the first stop in services around the beautiful views of Scotland. Friends, I'm talking in Indian language in the video, but I have added English subtitles. So, dosto, ये as usual मेरी request आपसे यही है कि जो मेरे India से बाहर viewers हैं, उनके लिए मुझे English में ये अपना introduction देना पड़ रहा है. आपको समझ आ ही जाएगा. आइए मेरे साथ. This is start tour, the tour लेके Wembley तो जा रहे हैं. Scotland का tour है. ग्लासगो रुकनगे. ए साडा कोच है. स्टार्ट टूर दा बस ए नंबर है. ए दी की है कि टॉयलेट भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ. ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੇਸਕੀ ਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ. ਇਹ ਜਿੰਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਟੋਇਲੇਟ ਹੈ ਗਿਆ. ये सर्विसेज में हमें 15 मिनट का ब्रेक दिया था हाईवे के ऊपर. सर्विसेज मतलब जो हाईवे के ऊपर हर 15-20 किलोमीटर के बाद यहाँ पर एक पेट्रोल पंप बनाया होता है, और पेट्रोल पंप के साथ ही नॉर्मली 3-4 रेस्टोरेंट्स होते हैं और भी जो डेली यूज़ की चीज़ें वहाँ मिलती हैं. तो यहाँ इसके बाद हमारा पहला स्टॉप है ग्रेटना ग्रीन. तो हम यहाँ से चले थे. ये न्यू पोर्ट पैगनल पे हम बैठे थे, जो कि M1 पे ऊपर है हमारे घर के साथ मिल्टन कीन में. और ये जो मैप है इंग्लैंड के दूसरे कोने में हमने पहुंचना है. स्कॉटलैंड में 7-8 घंटे की जर्नी है. ये ग्रेटना ग्रीन की बैकग्राउंड ये है कि आज से 300-400 साल पहले, जबकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अलग अलग कंट्री हुआ करते थे, इंग्लैंड में ये रूल था कि 21 साल से छोटे बच्चे शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन स्कॉटलैंड में ये रूल नहीं था. सो दोस्तों, ये आप साथ साथ मेरे व्यूज़ एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं. अच्छा, तो जो स्कॉटलैंड में ये रूल नहीं था, तो बच्चे भाग के इंग्लैंड से स्कॉटलैंड आ जाते थे. और ये जो ग्रेटना विलेज है बिल्कुल इंग्लैंड का बॉर्डर क्रॉस करते स्कॉटलैंड में है, इसीलिए यहाँ लोग आते थे, बच्चे आते थे. ये देखिए मेरे राइट साइड पे भेड़ें चर रही हैं, और ऐसे भी बहुत जगह मिलते हैं. और इसकी स्कॉटलैंड में ये स्पेशलिटी ये है कि लंदन से जितना हम ऊपर जाते जाएंगे नॉर्थ की तरफ, उतनी ग्रीनरी ज़्यादा अच्छी नज़र आती जाएगी, इसीलिए स्कॉटलैंड काफ़ी मशहूर है. ये मैं कैमरा नहीं बंद कर रहा, क्योंकि इसके आसपास के व्यूज़ हैं इतने अच्छे कि कैमरा बंद करने का दिल नहीं करता है. और मुझे लगता है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे. इस टाइम हम M1 के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं. M1 के मतलब मोटरवे 1. जैसे कि इंडिया में अंग्रेज़ों ने बहुत सैकड़ों साल पहले एक GT रोड बनाया था, जो कि कोलकाता से पेशावर तक जाता है, सबसे बड़ा हाईवे. वैसे इंग्लैंड में सबसे बड़ा हाईवे मोटरवे 1 है, जो कि लंदन से स्कॉटलैंड जाता है. लंदन में इसका पिकअप पॉइंट वेम्बले था, जहाँ की इंडिया के गुजराती लोग ज़्यादा रहते हैं. मिल्टन कीन्स कल के एक और टूर पे जा रहे हैं ग्लासगो. एक स्पॉट है अगर ना है ग्रेटना ग्रीन सिंस 1754. ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਲਟ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਾਂ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡੋਲੀ ਐਸਾਂ ਜਾਏਗੀ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਆਏ ਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਯੂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ. ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਫਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਐਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਐਸਕੋਟਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਸਕੋਟਿਸ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਟਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਰਿਜ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਵਿੰਡ ਮਿਲਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਕੋਟਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਬੱਸ 'ਚ ਲਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਦਾ ਯੂਜ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ। This was our 4-day tour of Scotland, and we had visited many interesting places like Edinburgh Castle, Edinburgh City, Glasgow Distillery, Windermere Lake District, and English channels on the river. These are lovely views, and I'll upload all these views, but I think this will take at least 4 to 5 episodes. So please wait for this. Thank you very much, and God bless you.